सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित गेमिंग। सो भाई, यहाँ पे आज हम खेलने वाले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका खेलेंगे, दो ओवर का मैच यहाँ पे। तो चलो भाई, मैच को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के यहाँ पे। और आई होप आप लोग, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर करना भाई। सब्सक्राइब आप करते नहीं हो, आप लोग सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो थोड़ा। और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। सो देखते हैं टॉस कौन जीतता है, इंडिया या साउथ अफ्रीका। आई थिंक इंडिया हैज़ वॉन द टॉस, आई थिंक। देखते हैं यहाँ पे कौन जीतता है। तो यहाँ पे भाई इंडिया ने टॉस जीत लिया, तो हम पहले बैटिंग करेंगे। अब हम देखते हैं कितने रन का टारगेट हम दे सकते हैं साउथ अफ्रीका को। तो यहाँ पे शिखर धवन और रोहित शर्मा को उतारेंगे यहाँ पे हम। तो चलो भाई, दोनों बल्लेबाज आ चुके ग्राउंड पे। तो चलो भाई, मैच को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो पहले ओवर सिपोमला कराएंगे, तो देखते कितने रन बटोर सकते हैं हम इस पहले ओवर में। यहाँ पे रोहित शर्मा खेलेंगे फर्स्ट बॉल, बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे रोहित शर्मा ने स्वीप के साथ, चार के साथ भाई खाता खोला यहाँ पे रोहित शर्मा ने। तो बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पे इंडिया के लिए। देखते सेकंड बॉल किस तरीके से खेलते हैं रोहित शर्मा सिपोमला की। बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे भी, चौका, बहुत बढ़िया गैप में शॉट खेला यहाँ पे रोहित शर्मा ने। तो भाई रोहित मैन शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं, बिल्कुल ही तगड़े शॉट खेल रहे हैं यहाँ पे। दो बॉलों में 8 रन बटोर चुके हैं। सो देखते जरा तीसरी बॉल किस तरीके से खेलेंगे। सो भाई यहाँ पे भी लगा दिए चौका, बहुत तगड़ा। सो यहाँ पे दर्शक देख सकते हैं कितने खुश हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं यहाँ पे रोहित शर्मा। 12 रन बना चुके हैं 3 बॉलों में। सो देखते हैं फोर्थ बॉल किस तरीके से खेलेंगे यहाँ पे रोहित शर्मा। यहाँ पे थोड़ी टाइमिंग नहीं हुई पर गैप में गिरी, यहाँ पे डबल मिल जाएगा क्या भाई, भागना पड़ेगा। शिखर धवन रन आउट, बच गए भाई, बहुत ही ख़राब थ्रो फेंका यहाँ पे, वरना भी आउट हो जाता अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो। सो यहाँ पे फिफ्थ बॉल डालेंगे, तो देखते रोहित शर्मा फिफ्थ बॉल किस तरीके से खेलेंगे। ओ भाई, बहुत बढ़िया बॉल यहाँ पे मिस कर दिया यहाँ पे रोहित शर्मा ने, यहाँ पे विकेट मिल सकती थी सिपोमला को। सो देखते हैं आखिरी बॉल ओवर की किस तरीके से खेलेंगे रोहित शर्मा। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट शॉट, यहाँ पे डबल मिल जाएगा आराम से, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो भाई पहले ओवर में इंडिया ने स्कोर बनाया 16 रन का। सो देखते हैं आखिरी ओवर में और कितने रन बटोर सकते हैं यहाँ पे टीम इंडिया। बहुत ही अच्छा ओवर इंडिया के लिए। यहाँ पे फ्लिक बॉल करवाएंगे यहाँ पे शिखर धवन को। सो देखते शिखर धवन किस तरीके से खेलते हैं भाई, शिखर धवन को खास फॉर्म। देखते हैं पहली बॉल भाई, बच गए यहाँ पर शिखर धवन, बिल्कुल टाइमिंग से नहीं खेला यहाँ पे। सो यहाँ पे 2 रन बटोर लिए हैं पहली बॉल पे। सो देखते हैं आखिरी की 5 बॉल किस तरीके से खेलेंगे यहाँ पे शिखर धवन। दूसरी बॉल डालेंगे यहाँ पे शिखर धवन को, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे स्ट्रेट और 4 रन मिलेंगे भाई, फील्डर के ऊपर से निकाल दिए गेंद को। तो बहुत ही बढ़िया शुरुआत, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे शिखर धवन से। तो इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर है 22 रन। सो देखते हैं थर्ड बॉल किस तरीके से खेलेंगे। ये भी बहुत यहाँ पे विकेट मिल सकती है, कैच छोड़ दी भाई, बहुत ही ख़राब फील्डिंग यहाँ पे साउथ अफ्रीका से। और एक और चौका मिला भाई, यहाँ पे कैच हो सकती थी और कैच की जगह चौका दे दिया यहाँ पे। फोर्थ बॉल डालेंगे यहाँ पे शिखर धवन को। तो इंडिया भाई बहुत अच्छा खेल रही है यहाँ पे अभी तक। तो ये एकदम स्ट्रेट, इस पर भी चौका मिल जाएगा क्या, हाँ भाई, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे स्ट्रेट एकदम। तो भाई बहुत ही बढ़िया अंदाज से खेल रहे हैं शिखर धवन और रोहित शर्मा, दोनों ही बल्लेबाज बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं यहाँ पे। और दर्शक में आप उत्साह देख ही सकते हैं किस तरीके से है। सो देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ बॉल किस तरीके से खेलेंगे शिखर धवन, कैच पे भी चौका छक्का लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया शॉट, यहाँ पे भी चौका मिल जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया खेल रहे शिखर धवन भी दूसरी तरफ से। तो भाई 34 बना चुकी है इंडिया का, एक भी विकेट नहीं गिरा है अभी, बहुत आखिरी बॉल इनिंग्स की। सो देखते हैं आखिरी बॉल इनिंग्स की किस तरीके से खेलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे डबल मिल जाएगा, तो भाई इंडिया 2 ओवर की समाप्ति के साथ स्कोर अपना बनाई है। देखते हैं 36 रन बनाए हैं 2 ओवर में। सो देखते हैं 37 रन साउथ अफ्रीका चेस कर पाती है या नहीं। सो पहला ओवर करवाएंगे उमेश यादव, सो देखते हैं किस तरीके से खेलते हैं यहाँ पे उमेश यादव का ओवर। क्वेंटन डिकॉक खेलेंगे फर्स्ट बॉल उमेश यादव की। सो देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे यहाँ पे। पहली बॉल डालते हुए शॉट थोड़ा अच्छा हुआ नहीं यहाँ पर डबल मिल जाएगा, गैप में खेल दिया यहाँ पे क्वेंटन डिकॉक ने, बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पे साउथ अफ्रीका से।
और भाई थ्रो थोड़ा सही नहीं फेंका। सो देखते हैं सेकंड बॉल किस तरीके से खेलेंगे यहाँ पे उमेश यादव की क्विंटन डीकॉक। सो देखते हैं भाई लोग किस तरीके से खेलेंगे यहाँ पे क्विंटन डीकॉक। सेकंड बॉल ऑफ द ओवर और ये गैप में यहाँ पे भी डबल मिल सकता है क्या? नहीं, यहाँ पे सिंगल ही मिलेगा। बहुत बढ़िया फील्डिंग है यहाँ पे टीम इंडिया से। सो भाई इसी तरीके की बॉलिंग चाहिए हमें इंडिया से। अगर इंडिया को मैच जीतना है तो इसी तरीके से इंडिया के बॉलरों को बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो अभी तक तो दो बॉल उमेश यादव ने अच्छी करी है। सो देखते हैं थर्ड बॉल। ओ भाई बहुत ही बढ़िया परफेक्ट शॉट भाई, फैबुलस शॉट फ्रॉम हैंड्रिक्स भाई, बहुत ही बढ़िया क्लासिक शॉट खेला है यहाँ पे हैंड्रिक्स ने। सो फोर्थ बॉल देखते हैं। तीन बॉलों में 9 रन बटोर चुके हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका। ये गैप में यहाँ पे क्या चौका मिल सकता है भाई? बचा लिया, बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे टीम इंडिया के फील्डर्स है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। सो देखते हैं फिफ्थ बॉल किस तरीके से खेलेंगे यहाँ पे हैंड्रिक्स। 8 रन बना चुके हैं 2 बॉलों में। सो देखते जरा फिफ्थ बॉल किस तरीके से खेलेंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे सिंगल ही मिलेगा भाई लोग, एक ही रन मिलेगा। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे उमेश यादव। 11 रन दिए 5 बॉलों में, 12 रन बना चुके हैं साउथ अफ्रीका। देखते हैं आखिरी बॉल उमेश यादव किस तरीके से अपने ओवर को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। आखिरी बॉल ओवर की और ये भाई बहुत ही बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट फ्रॉम क्विंटन डीकॉक भाई। साउथ अफ्रीका के लिए पहला ओवर बहुत ही अच्छा गया भाई, हद से ज़्यादा। तो भाई 18 रन बना चुके हैं पहले ही ओवर में। सो देखते हैं दूसरे ओवर हम किससे जडेजा से करवाएंगे दूसरा ओवर। सो देखते हैं मैच को यहाँ पे जडेजा बचा सकते हैं या नहीं। यहाँ पे टीम को 37 रन बनाने हैं। सो देखते हैं बना पाते हैं या नहीं। फर्स्ट बॉल डालेंगे जडेजा हैंड्रिक्स को, सीधा यहाँ पे फील्डर रोक सकता था पर रोक नहीं पाया। डबल बटोर लेंगे भाई, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स भाई। डायरेक्ट हिट जरूर लगाए पर फील्डर यहाँ पे मतलब दोनों ही बल्लेबाज पहुँच चुके हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पे। सेकंड बॉल ऑफ द ओवर भाई रोक ही नहीं रहा है फील्डर यहाँ पे, डाइव मार के फील्डर रोक सकता है। तो 4 बॉलों में अब 16 रन की ज़रूरत है यहाँ पे साउथ अफ्रीका को। सो देखते हैं 4 बॉलों में 16 रन बटोर सकते हैं या नहीं। थर्ड बॉल डालेंगे जडेजा यहाँ पे क्विंटन डीकॉक को। सो देखते हैं किस तरीके से खेलते क्विंटन डीकॉक, यहाँ पे क्या सिंगल मिलेगा भाई? यहाँ पे सिंगल ही मिलेगा, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे टीम इंडिया से। अब 3 बॉलों में ज़रूरत है 14 रन की। सो देखते हैं कि मैच को बचा सकते हैं यहाँ पे जडेजा नहीं। 15 रन की ज़रूरत है यहाँ पे। चौथी बॉल डालेंगे जडेजा, सीधा फील्ड यहाँ पे भी गैप में, सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे भी। तो भाई जडेजा की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, बहुत ही बढ़िया ओवर निकाला यहाँ पे टीम इंडिया के लिए। 5 ही रन दिए 4 बॉलों में। फिफ्थ बॉल डालेंगे जडेजा। सो देखते हैं फिफ्थ बॉल किस तरीके से खेलते हैं यहाँ पे क्विंटन डीकॉक। यहाँ पे डबल मिल सकता है भाई, यहाँ पे डबल के लिए भाग लिया और मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों से। सो भाई भला साउथ अफ्रीका अच्छा खेले पर दूसरा ओवर नहीं निकाल पाई और टीम इंडिया यहाँ पे जीत चुकी है आराम से। जडेजा होंगे भाई, जडेजा ने बहुत ही बढ़िया मैच जीता है यहाँ पे टीम इंडिया को। जितनी तारीफ, जडेजा ने बिल्कुल ही शानदार प्रदर्शन करा यहाँ पे टीम इंडिया को जिताने के लिए। तो भाई इसी के साथ यहाँ पे टीम इंडिया 10 रन से मैच को जीत चुकी है, दर्ज कर चुकी है यहाँ पे जीत। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगे। तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलो भाई। आप सब्सक्राइब करोगे तो हम और लंबी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे सिकंदर धवन को मैन ऑफ द मैच दिया है, तो आप सब्सक्राइब करना चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करो। अगर आप सब्सक्राइब सपोर्ट करोगे तो मैं इससे भी बड़ी बड़ी जैसे 5 ओवर की वीडियो बनाऊंगा। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट गेम प्ले में। तो भाई अब हम चलते हैं।